हेलो हाँ सर, नमस्कार। जी, नमस्कार नमस्कार। सर, आपके नंबर देखे थे मैंने फेसबुक पे। हाँ जी, बोलिए। हाँ, सर, ओल्ड कॉइन का कोई प्रचार दे रहे थे आपके, ओल्ड कॉइन मैं ओल्ड बेचिए कॉइन सर। कंपनी हैदराबाद से बात कर रहा हूँ सर, कहाँ से सर? हैदराबाद। अच्छा, सर अभी आपका कॉल आया था, मैंने गाड़ी रोक के वापस कॉल किया इसलिए। सर हाँ जी, बोलिए। सर वो मैंने फेसबुक पे आपके फेसबुक पे कमेंट करी थी ना, मेरे पास सिक्का है इसलिए। हाँ, तो अगर आपके पास कोई पुराना सिक्का, पुराना नोट, अगर कोई कॉइन्स है तो आप बताइए, हमें भेज सकते हो सर आप। बिल्कुल सर, वो अभी क्या है, मैं कहीं आया हूँ तो मेरे पास एक सिक्का है सर, पुराना कौन सा सिक्का है? अच्छा वाला सिक्का है, मैं आपको दिखा दूंगा सर, वो तो काफी पुराना है सर, अच्छा उसको देने। ये उसमें कोई आपका? चित्र होगा या चित्र वित्र है? हाँ सर, वो दिखा दूंगा आपको अभी। वो तो मैं क्या सर, ये आपका फेसबुक पे एड देख के कॉल कर दिया मैंने, कहा इसलिए हाँ, फिर तो आज से आपने तो आप अटेंड नहीं किया, फिर अगर वापस किया है तो। आप भेजना चाहते हो तो उसकी एक फोटो लेके अपने व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दो सर। अच्छा, फोटो भेजूँ आपके पास? हाँ सर, सर चालू रखिए, मेरे पास फोन में फोटो तो वैसे पड़ी है, कल भी मैंने किसी को, दूसरे को भेजा था सर, उसने तो फ्रॉड कर दिया सर मेरे नहीं पास। सर, यहाँ पे फ्रॉड वाला कोई काम नहीं है सर। नहीं सर 500 रुपये पहले भी मेरे से कल उसने डलवा लिए थे। अच्छा नहीं सर, आप अगर आपके पास सिक्का है रियल में तो आप भेजिए सर, फोटो भेजिए एक बार। हाँ सर बिल्कुल, मैं सिक्के ही आपके पास फोटो भेज देता हूँ तुरंत। सर ये सिक्का है 1886 का सर, हाँ सर, आपका सिक्का बहुत पुराना है, इसकी रेट अठारह भी सौ बढ़िया मिलेगी छियासी सर, का आप सर। भेजिए सर। एक ये सर मैंने भेज दिया, आप फोटो चेक कर लीजिए सर मिनट सर, साथ में रखिए। जी। हाँ सर, हाँ सर बिल्कुल, ये 125वीं जयंती किसकी है सर, इसका मैं का एक ये की सिक्का है सर ये। सर एक मिनट आप रुकिए, इसकी मैं आपको रेट बताता हूँ सर, कंपनी में इसको ट्रांसफर करता हूँ एक बार। अभी तो सर मेरे को वापस कॉल करोगे क्या? अच्छा एक मिनट में सर, अभी आप अगर चालू रख सकते हो, टाइम है तो रख लो, नहीं से एक मिनट बाद में कॉल कर दूंगा वापस सर आपको। बिल्कुल सर, वापस कर देना सर। ठीक सर, तो देखिए दोस्तों, ये मैंने फेसबुक पे अभी मैंने कॉल किया था तो उस समय इसने उठाया नहीं है, और अब इसने वापस उसका कॉल आया, जो मैंने गाड़ी साइड में लगा के इसे बात कर रहा हूँ, और अब बात करता हूँ, देखिए क्या कहता है, वास्तव में खरीदेगा या फ्रॉड करेगा। कल भी वो एक वीडियो मैंने बनाया था 500 रुपये का, उसने मेरे साथ फ्रॉड भी कर दिया था, और वो भी मैं जानकारी के लिए, अपने जो व्यूअर्स है उसके लिए जानकारी के लिए मैंने ये वापस, फ़ोन भी आ गया इसका। हाँ जी सर, हेलो हाँ सर, सर, जो आपने सिक्का भेजा है उसकी कीमत आपको 11 लाख रुपए मिलेगी सर, ग्यारह कितने रुपए सर? लाख रुपए सर। हाँ इस सिक्के की 11 लाख रुपए? सर, तो सर बिल्कुल देना ही है सर, क्या प्रोसेसिंग रहेगी बताइए सर। इसके अंदर प्रोसेसिंग ये रहेगी कि सर आपको आधा पेमेंट पहले दिया जाएगा और अच्छा आधा पेमेंट आपके अकाउंट में केस बाद में केस दिया जाएगा, आधा पेमेंट अभी अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा सर आपको। आधा अभी, हाँ सर, तो उसके लिए क्या रहेगा सर, इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा रजिस्ट्रेशन? सर। वो रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, कर दीजिए सर फिर, रजिस्ट्रेशन मेरा अभी कर दीजिए। सर, और रजिस्ट्रेशन के लिए सर आप अपना आधार कार्ड और एक फोटो भेजना पड़ेगा आपको, तो सर आधार कार्ड तो अभी मेरे पास नहीं है सर अवेलेबल, मैं एड्रेस भेज दूंगा मेरा कोई भी आईडी से प्रूफ होता हो, कोई भी भेज सकते हो सर, कुछ भी आप अभी। सर मैं बाहर आया हुआ हूँ इसलिए मेरे पास आईडी तो कुछ भी नहीं है सर, सर। बिना एटीएम कैसे बनाएंगे फिर? तो फिर बाद में करें तो सर क्या रहेगा, या फिर बिना एड में एड्रेस भेज दूं तो वैसे कर दो देंगे, हाँ सर, या मैं आप शाम अपने को सेंड कर दूंगा सर? आधार कार्ड नंबर अगर आपको याद है तो वैसे कर सकते हो आप। नहीं सर, आधार कार्ड नंबर तो याद नहीं है, लेकिन शाम को भेज दूंगा सर, जो भी मेरी आईडी होगी वो शाम को भेज दूंगा आपको सर, अभी तो आप कर दीजिए नहीं सर, आप एक काम कीजिए फिर, अगर जी। आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको एक फाइल स्लिप जमा कराना पड़ेगा सर। और डॉक्यूमेंट भेज देंगे तो नहीं करवाना पड़ेगा? हाँ सर, नहीं सर, फाइल शुल्क तो कहाँ से लाऊंगा सर, वो तो आप दे रहे हो ना पैसे तो सर। अब हम भेजेंगे सर आपको, तभी आपकी फाइल बनेगी, तभी तो पैसे देंगे ना सर आपको। डॉक्यूमेंट नहीं डॉक्यूमेंट भेज दूंगा तो फिर भेजोगे तो कम शुल्क लगेगा सर आपको, कितना लगेगा? अच्छा वैसे 1100 रुपये लगेगा। डॉक्यूमेंट भेजोगे तो सर आपको 500 रुपये का शुल्क लगेगा। ऐसे 1100 रुपये लगेगा, डॉक्यूमेंट भेजूंगा तो 500 लगेगा, वो हाँ सर, कब देना पड़ेगा, जब मेरा पेमेंट वो आएगा सर उसके नहीं बाद में? सर, वो अभी आपको करवाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन, उसके बाद में हम आपका रजिस्ट्रेशन आगे भेजेंगे, फिर आपको कंपनी अभी नंबर कैसे, देगी। अभी क्या मतलब हुआ सर, अभी का तो वो कल वाला मैं बता रहा था सर, वो भी पहले ही मांगे थे 500 रुपये उसने यार।
फिर वो नहीं सर, 2100 हमारा तो रुपये फ्रॉड का मांग काम लिए नहीं फिर। है, ये कंपनी, इस कंपनी का फ्रॉड का काम कुछ भी नहीं है सर। नहीं तो सर वो बात तो सही है, लेकिन सर मेरा जो पेमेंट आएगा ना हाँ उसमें सर, से आप ही रख लेना 500 रुपये आपका रजिस्ट्रेशन शुल्क। एक काम कीजिए और नहीं मेरा सर, अभी इसमें रजिस्ट्रेशन कर एक दीजिए बात नहीं ताकि है, अब इसमें मैं। सिस्टम होता है सर, एक कंपनी का एक सिस्टम होता है सर, जिसके जी अंदर ये होता है कि जैसे आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, अभी अच्छा। हाँ आपने अगर 500 रुपये पे या 1100 रुपये पे किया तो हाँ वो हम कंपनी को भेजेंगे सर, और अच्छा कंपनी फिर उस पैसे को देख के आपका, जैसे आपने पेमेंट किया, पेमेंट को देख के आपके रजिस्ट्रेशन नंबर अलाउ करेगी सर, अच्छा वो रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट करके हम आपको फिर भेजेंगे सर। जब भी नहीं। हमारा कस्टमर आपके पास आएगा टिक्का लेने, तो आपको वो रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाना होगा उसको। नहीं तो सिक्का लेने आपका आदमी आएगा क्या, हमें भेजना हाँ सर, पड़ेगा? हमारा कब आएगा वो? वो सर, अभी आप रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको टाइम दिया जाएगा, वो इतने टाइम के बीच में हम यहाँ पे आ सर जाएंगे। सेम जैसे आप बता रहे हो वो सेम प्रोसेसिंग कल वाले भाई साहब ने बताई थी, मेरे को 500 रुपये का चूना भी लगा था और उसने डायरेक्ट 500 रुपये भेजते 2100 रुपये और मांग लिए नहीं सर, ऐसा सिस्टम नहीं, हमारा थे। यही कोई शुल्क सिस्टम नहीं, था अभी सर तो ये एक जो ही आप शुल्क है बता रहे सिर्फ, हो, ये सेम पहले साइन उसने का। उसने भी आधार कार्ड मांगा था और फिर आईडी मांगी थी मेरे से और फिर 500 रुपये का 1100 रुपये मांगे, फिर 500 रुपये में रजिस्ट्रेशन भी कर दिया हाँ, था और आप सर फिर। इस कंपनी में भरोसा कीजिए, आप हमेशा इस कंपनी को नहीं फिर टिका भेजने आओगे सर। मेरी बात सुनिए सर, जो 500 में भी 1100 रुपये का शुल्क लगेगा, मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो, है ना? हाँ तो सर, इसके बाद में मैं भेज भी दूंगा तो बाद में मेरे से और पैसे तो नहीं मांगोगे आप? किसके सर? नहीं, हाँ सर, बिल्कुल नहीं मांगेंगे सर आप पैसे। नहीं सर आप कह दोगे कि ये रजिस्ट्रेशन का भेजिए वो रजिस्ट्रेशन का भेजिए। नहीं हाँ आपका रजिस्ट्रेशन साल, एक रजिस्ट्रेशन शुल्क होगा, वही हाँ होगा सर सिर्फ, उसके बाद में कोई पेमेंट नहीं होगा आपका। तो सर क्या करें सर, एक बार तो आप मेरी बात सुनिए सर, एक बार तो कर दीजिए मेरा रजिस्ट्रेशन, मैं पैसे आपको शाम को सेंड कर दूंगा या सुबह सेंड कर दूंगा। सर बिना पैसे रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता, हम कंपनी को पैसे भेजेंगे तभी सर कंपनी आपकी रजिस्ट्रेशन तरफ से नंबर भेज देगी सर। दीजिए ना सर, मैं आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा अकाउंट दे दूंगा, पैसे दे दूंगा जैसे नहीं सर, मेरा इतना अकाउंट नहीं आएगा, सकता, मैं पैसे तुमसे आएंगे। नहीं भेज सकता, वो कंपनी स्क्रीनशॉट मांगती है पेमेंट का, कि किस कस्टमर ने पेमेंट स्क्रीनशॉट भेजा है आपको, क्योंकि अरे सर तो अब मेरे कैसे मानो कि मैं 1100 भेज दूंगा और मैं सर, आप अगर मैं फ्रॉड आपको करोगे मेरे पे साथ, सर मेरे को पता है कंफर्म। नहीं सर, अगर मैं आप पेमेंट कर दूंगा ना उनको, तो तो वो ऐसा सोचेंगे कि ये हमसे रजिस्ट्रेशन नंबर ले रहा है और ज्यादा में बेचेगा सर, तो ऐसा हमारे सिस्टम है नहीं सर, कंपनी विश्वास नहीं करती सर हमसे सर। आप तो कंपनी में ही तो हो सर, नहीं आपसे क्या छुपा, आप ही तो सब मालिक हो सर। सर, हमारे से बड़े मालिक है, हम तो कस्टमर है, उनको हैंडल करते हैं सर। तो सर क्या करना पड़ेगा, आप कोई उपाय बताइए सर, मेरे पास इतने रुपए तो नहीं है ना मेरे, तो एक काम कर दीजिए सर 500 रुपये वाला रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। डॉक्यूमेंट आपको मैं शाम को जैसे ही घर पहुंचूंगा आपको डॉक्यूमेंट भेज दूंगा, मैं अभी गाड़ी में चल रहा हूँ सर इसलिए कह रहा हूँ सर। सर मैं पूछ सकता हूँ कंपनी, अगर अलाउ करे तो मैं आपका 500 रुपये में करवा सकता हूँ रजिस्ट्रेशन, नहीं ये तो बोल अल्लाह सकता हूँ मैं पूछने शाम की को। क्या जरूरत है सर, मैं डॉक्यूमेंट शाम को हाथों हाथ सेंड कर दूंगा आपको, क्या जरूरत है, इतना तो कर ही सकते हो सर। तो ये काम कीजिए सर, आप 500 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क तो कीजिए, और शाम को डॉक्यूमेंट जरूर भेज दीजिए सर। अच्छा और फिर आप वो पेमेंट शाम को डॉक्यूमेंट भेजने बाद आएगा या अभी आ जाएगा? मैं सर, पेमेंट डॉक्यूमेंट भेजने के बाद आएगा। अच्छा बाद में आएगा, हाँ सर, हाथों हाथ आ जाएगा हाँ सर, सर, फ्रॉड तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा सर, आप विश्वास कीजिए, कंपनी विश्वास हमारे तो ऊपर कल 10 वाले साल पे से भी काम किया कर था रही है सर, सर। विश्वास तो कल वाले पे भी किया था और उसने भी मेरे साथ ऐसा ही किया था सर। सर ऐसा नहीं होता, बहुत सी कंपनियां जो फ्रॉडिंग करती है, हमें भी मालूम, हम देखते हैं यूट्यूब चैनलों के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से फ्रॉड होता है, लेकिन हमारी कंपनी में ऐसा सिस्टम नहीं, हमने 10 साल तक लगातार काम किया सर इस कंपनी का। तो क्या करें सर, ये तो मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, पैसे आप पहले मांग हाँ रहे हो, सर, मेरी बात सुनिए सर, बाद में मैं आपको ज़्यादा पैसे दे दूंगा ना। नहीं वो सिस्टम नहीं, हमें ज्यादा नहीं लेना सर, जो शुल्क है कंपनी का, जीएसटी सरकारी शुल्क है, वो ही लेना सर। अच्छा नहीं हाँ तो मेरे को पता है सर आपको मैं 500 रुपये जैसे ही भेजूंगा ना हाँ तो सर, आप यही कहोगे कि सर 1100 रुपये रजिस्ट्रेशन, 1100 रुपये वो फाइल चार्ज, 1100 रुपये नहीं सर ऐसा जीएसटी नहीं है, चार्ज, यही मैं कहने हम वाले मना हो? कर रहे हैं सर, आप विश्वास तो कीजिए, आप मैं कह रहा हूँ रजिस्ट्रेशन। ना, आप क्या विश्वास करवा रहे हो मेरे को, वो कल वाले ने भी यही कहा था और मेरे को पता है तुम एक ही सारे गैंग के आदमी हो तुम, मेरे नहीं को सर पता है ऐसा नहीं सब। होता, ये कंपनी सर का एक मैं रूल सब है, इसके जानता अंदर हूँ आप अंदर सब, नहीं मेरे को क्या सिखा रहे हो, मेरे को पता है तुम भी उसी से जुड़ा हुआ आदमी है तुम। सर, ये अगर आप इतना अराव पचरव करोगे तो आप अपना सिक्का नहीं बेच पाओगे सर। मैं तो बेच, मेरे को पता है मेरे को सिक्का नहीं देना आप, मैं नहीं दूंगा क्योंकि आप पहले पैसे मांग रहे हो, अगर पहले नहीं मांगते तो मैं जरूर रजिस्ट्रेशन करवा लेता, बिना सर पैसे आपको, सर रजिस्ट्रेशन करवा के पैसे भेजो ना आपको लेना है तो। आपको अगर पेम पेम किसी तो ये भेजना है सर, तो आप पेमेंट कीजिए सर, फोन पे क्या में, गूगल पेमेंट पे के कीजिए, माध्यम मेरी से। बात सुनिए आप, मैं आप बोल कहाँ से रहे हो, मैं आपकी लोकेशन निकलवाता हूँ अभी, देखिए। मैं सर हैदराबाद से बात कर रहा हूँ, हाँ तो आपका मैं शुभ पता करूंगा हैदराबाद। अभी, हैदराबाद से बात कर रहा है, कहाँ से कर रहा है तू, मेरे को पता है उस जो कल मेरी बात हुई थी ना
उससे मिला हुआ आदमी है तू भी, सेम वही, उसने भी यही प्रोसेसिंग बताई थी और तू भी यही प्रोसेसिंग बता रहा है। सर आप हमारे और भी कस्टमर अगर आपको भेजना तो भेज दो, बताइए ना भेजना तो भेजना मेरी भेज बात दो। सुनिए, जल्दबाजी मत कीजिए आप, मेरे को देना हाँ है, सर, इसीलिए तो कॉल किया था ना। हाँ सर, हाँ सर, सर बोल तो, आप कब से काम कर रहे हो ये? हमारा तो सर 10 साल का रिकॉर्ड है, हमने कभी आज पहला कस्टमर जो ऐसा बोल रहा है और अभी तक तो कोई किसी कस्टमर ने ऐसा नहीं बोला सर। और अभी तक किसी कस्टमर को आपने पैसे दिए भी नहीं, लिए भी है, यही मेरे को बताए है ना, ये भी कह दो। नहीं सर ऐसा नहीं है कंपनी का अरे सिस्टम तू सर क्या हमारे। समझता है वो अपने आप को? हाँ विश्वास कीजिए सर एक मैं बार। लाइव रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपको, ठीक है ना? ये सब लोगों तक हाँ पहुंचेगा, आप फ्रॉड करते हो। अब आज के बाद में जो भी सर, इस वीडियो को देखेगा ना, वो तुम्हारे चंगुल में नहीं फंसने वाला है, ठीक है ना? सर ये आपको वो बेचना नहीं है सचेत, सर, आप सारे लोगों बारह को पंद्रह सचेत लोगों की करूंगा बात मैं कर रहे हो इसको सर, रिकॉर्ड आपको करके। बेचना नहीं है, कल भी मेरे मैंने साथ कितना तेरी पैसा गैंग आपका का सर। कोई आदमी फ्रॉड किया था, आज फिर मैंने तेरे से बात हो रही है मेरी। नहीं सर ऐसा कोई सिस्टम नहीं, आपको अगर बेचना है तो बताइए, नहीं बेचना है तो वैसा बताइए सर। सब पता है यही सिस्टम है, ठीक है ना? मेरी बात तू ठीक सर, मैं ठीक 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 क्या कर रहा है? सर, धन्यवाद आपको कॉल करने के लिए। ठीक सर, अरे मेरी बात सुनिए आप, ठीक है ना? देखिए इसने भी फोन काट दिया, ये मेरे को लगता है उसी जो कल मैंने वीडियो बनाया था उसी गैंग का आदमी है। सारे एक ही गैंग के व्यक्ति होते हैं और इस तरह से यही काम करते हैं सारे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे और जो व्हाट्सएप है, कहीं पर भी इसके एड मिल जाते हैं अपन को, बहुत सारे चारों तरफ एड पे एड दे देते हैं। और यही बात कहते हैं कि आपके पास जो भी पुराना सिक्का हो, जो भी नोट हो, हमें बेचिए, हम आपको ये कीमत देंगे, वो कीमत देंगे। तो देखिए दोस्तों, कभी भी इस तरह से रजिस्ट्रेशन के नाम से पैसे अपन को नहीं सेंड करने हैं, ये सारे फ्रॉड लोग होते हैं। और अपन को एक बार पैसे भेज दिए तो ये रुकेंगे नहीं, फिर अपन को कहेंगे इस चार्ज भेजिए, वो चार्ज भेजिए, वो चार्ज भेजिए, और अपन से 8-10 हज़ार रुपये डलवा लेते हैं और फिर फ़ोन स्विच ऑफ कर लेते हैं। तो मेरा वीडियो बनाने का यही लक्ष्य है सर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको सेंड करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करना मेरा लक्ष्य है, ताकि इस तरह के फ्रॉड के चक्कर में लोग कम से कम पड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।